खुदा हाफिज जिसमें अपने विद्युत जामवाल एज अ समीर दिखे थे, जिसमें उनके साथ शिवालिका ओबराय उनकी वाइफ का कैरेक्टर एज अ नरगिस प्ले करते हुए दिखाई दी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था फारूक कबीर ने। इस मूवी के अब तक दो पार्ट रिलीज हो चुके हैं। पहला पार्ट 14 अगस्त 2020 को रिलीज हुआ था और दूसरा पार्ट 8 जुलाई 2022 को खुदा हाफिज अग्नि परीक्षा के नाम से रिलीज हुआ था। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए जितना इस मूवी को करना था। ये मूवी चाहे स्टोरी वाइज हो या फिर डायरेक्शन वाइज, ये एक बहुत ही कमाल की मूवी थी। तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, एक समीर नाम का कोई इंसान होता है जिससे एक नरगिस नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन इनकी लाइफ की बर्बादी तब शुरू होती है जब नरगिस को कोई एक क्रिमिनल गैंग्स वाले किडनैप करके ले जाते हैं। फिर अपना समीर अपनी वाइफ को ढूंढते हुए कैसे उन लोगों को डिफीट करता है, यही इस मूवी की स्टोरी होती है। इसके सेकंड पार्ट में हमें दिखाया गया कि समीर और नरगिस एक बच्ची को गोद ले लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। और फिर इनकी बच्ची को कोई क्रिमिनल गैंग वाले किडनैप करके ले जाते हैं और अपने विद्युत जमाल अपनी बच्ची को बचाने के लिए किस प्रकार संघर्ष करते हैं, किस प्रकार उनसे लड़ते हुए दिखाए जाते हैं और लास्ट में इनकी बच्ची का डेथ हो जाता है, यही सेकंड पार्ट की कहानी होती है। कुल मिलाकर खुदा हाफिज के दोनों पार्ट बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी इस मूवी की। लेकिन कुछ चमन चूतिया हैं जो इस मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे थे यूट्यूब पर जब ये मूवी रिलीज हुई थी। उनका ये मानना था कि ये मूवी में जब विद्युत जामवाल एक्शन कर लेता है, इतने तगड़े तगड़े स्टंट कर लेता, तो फिर उसने इस मूवी में अपने स्टंट का यूज क्यों नहीं किया। तो उन चमन चूतिया लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम चमन चूतिया ट्रेलर देखकर ही मूवी का रिव्यू कर दिए थे या फिर मूवी को देखे थे या फिर कहीं टेलीग्राम वराम से डाउनलोड करके जिसकी आवाज़ साफ नहीं थी वहाँ से देख कर रिव्यू किए थे मूवी। इस मूवी में साफ साफ दिखाया गया कि समीर जो होता है एक नॉर्मल इंसान होता है, एक कामन आदमी होता है। तो कामन आदमी को क्या किसी ने स्टंट सिखाया है? जब वो कामन आदमी है तो कहाँ से वो स्टंट करेगा, क्या उसे स्टंट की ट्रेनिंग दी गई थी? इन चूतियों लोगों को इतना समझ नहीं आता, वो बंदा नॉर्मल इंसान है, कामन इंसान है। इस मूवी के डायरेक्टर ने मूवी की स्टोरी को ध्यान में रखते हुए ही विद्युत जामवाल को उसी प्रकार से एक्शन करवाया जिस प्रकार का एक्शन इस मूवी की स्टोरी पे शूट करता है। तो ये मूवी एक अच्छी मूवी थी, ये बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन, अच्छी पॉपुलरिटी डिजर्व करती, लेकिन कुछ चमन चूतियों की वजह से ये मूवी उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाई। विद्युत जामवाल एक स्टार किड नहीं, एक नेपो किड नहीं, इसलिए उसकी अच्छी अच्छी मूवीज ओटीटी पे रिलीज हो जाती है, चाहे वो द पावर हो, सनक हो, यारी हो या उसकी कमांडो 3 जो कि कमांडो सीरीज की बेस्ट मूवी थी वो भी फ्लॉप हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।